अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ कोई ट्यूटोरियल जो है वो शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करके आप लोगों को अच्छा खासा बोर कर दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है वो ईद शॉपिंग जो है वो शेयर करूंगी। ठीक है, यानी कि ज्वेलरी, मैंने कुछ ऑनलाइन ज्वेलरी जो है वो खरीदी है। आजकल मुझे बड़ा क्रेज हो गया है ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाना, वहां से प्रोडक्ट देखना, खरीदना। इससे पहले मुझे कभी भी पता नहीं था कि ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जो है आपको इतनी अच्छी शॉपिंग जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो है मैं ज्यादातर शॉपिंग जहां से कर रही हूँ वो अली एक्सप्रेस की वेबसाइट है, और ये चाइना की शायद आई थिंक ये एक वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट्स है। और यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स पड़ी होती है उसके ऊपर जो है वो डॉलर में प्राइस जो है वो शो हो रहे होते हैं। तो मैंने साथ में पाकिस्तान का भी अंदर एड किया है, यानी लैंग्वेज के लिए, तो वो मुझे थोड़ा उर्दू में भी बता देते हैं कि इसकी इतनी प्राइस है, इतनी प्राइस है। और वहां पर मैं जो प्रोडक्ट देख रही होती हूँ वो मुझे इतनी रीजनेबल लग रही होती है कि मेरा दिल चाहता है कि सारी की सारी बाय कर लें। ठीक है, और वो सारी की सारी बाय करते करते जो है वो इतना सारा बिल जो है वहां पे जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्या करें, शौक का कोई मोल नहीं है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि देखें बड़े बोरिंग से, अब जब हम यहाँ पे मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स थी मैं तकरीबन सारी खरीद के आप लोगों से रिव्यू कर चुकी हूँ। अब कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है वो मुझे जरूरत होती है, तो उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए मुझे ऑनलाइन स्टोर्स पर जो है वो जाना पड़ता है, और वहां से फिर मैं जो है वो ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ, ताकि डिफरेंट और यूनिक चीजों से आपको जो है इंट्रोड्यूस जो है वो करवा सकूँ। उसमें कई बार जो है वो मैं बहुत खुश भी हो जाती हूँ अच्छा प्रोडक्ट मिल जाने पे, और कई दफा बहुत ज्यादा जो है वो उदास भी हो जाती हूँ पैसे वेस्ट होने पे। बहरहाल ये तो चलता है ना। फिर आप अगर आप लाइव भी जाके कोई प्रोडक्ट बाजारों से, मार्केट से खरीदते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, घर आते तक आपका माइंड चेंज हो जाता है और आपको वो अच्छी नहीं लग रही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन होता है कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अली एक्सप्रेस पे आई थिंक ऐसा शायद है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले ही प्रोडक्ट के पेमेंट के बाद वो एक माह से भी ज़्यादा, यानी 40 डेज में हमारे पास पहुंच रही होती है, और अब जब हम उसे रिप्लेस करेंगे तो फिर वो कितना टाइम जो है वो चलेगा, पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं। तो इस डर से हम जो है वो प्रोडक्ट वापस करते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद ये ऑप्शन रखा है कि आप प्रोडक्ट वापस भेजिए, अगर आपको कहीं पर भी कोई कंप्लेन है तो हम आपको जो है वो रिप्लेस करके देंगे। प्रोडक्ट अगर टूट जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपको दे देते हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो शौक की ये हद है कि कुछ पैसे वेस्ट भी हो रहे होते हैं तो वो नजर नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, वो आंखों से उझल रहते हैं, जिसके बस वही पहले भी मैंने आपको बताया, शौक का कोई मूल नहीं है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्डर किए, वो मेरे पास पहुँच गए हैं, लेकिन उसका रिव्यू आज के नहीं, मैं कल के वीडियो में इंशाल्लाह करूँगी। आज जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं वो ज्वेलरी है। ठीक है, ज्वेलरी जो है मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि मैं मेकअप के ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती रहती हूँ, और मेकअप के ट्यूटोरियल्स में मुझे इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है। बार बार जो है वो मार्केट जाना पड़ता है, न्यू ज्वेलरी आप लोगों के लिए लेनी पड़ती है, ज़ाहिर है ड्रेसेस जो हैं उनकी भी अरेंजमेंट जो है वो मुझे करनी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अलीएक्सप्रेस से भी कुछ ज्वेलरी मंगवा के देखती हूँ कि वो कैसी मुझे मिलती है, उनके चार्जेस वगैरह क्या हैं। अच्छा, मैंने महंगी मंगवाई है या सस्ती मंगवाई है ये आप लोगों ने जो है वो मुझे गाइड करना है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं उन्हें रेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक ज्वेलरी का सेट मैंने मंगवाया है। लाइक दिस, मुझे ना इस स्टाइल के डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन था इसका। तो इसके साथ सिर्फ ये नेकलेस था, और साथ में ये ब्यूटीफुल सी जो है ब्रेसलेट थी। अब आपको नज़र आई, और साथ में एयररिंग, और साथ में सेम इसी स्टाइल की जो है वो रिंग है, आई थिंक सेम इसी स्टाइल की जो है वो रिंग थी। तो कितना यूनिक और डिफरेंट सा स्टाइल था, मुझे वहाँ बहुत ही खूबसूरत लगा। और ये मुझे पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक 1200 में पड़ा है, आई थिंक 1200 में पड़ा है। आपको पता है प्राइजेस में हमें हर बार मिस्टेक जो है वो कर देती हूँ। तो बहरहाल 1200 में मुझे ये सेट पड़ा है, और अभी एक और मैंने जो है वो सेट बाय किया है, मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। आज ही मुझे जो है वसूल हुआ है, और ये बड़ा ही सिंपल सा, डिफरेंट सा, यूनिक सा जो है बहुत ही खूबसूरत लगा है। ये देखें जी, लॉन के ड्रेसेस के साथ यूनिक और डिफरेंट सा इसका स्टाइल,
ठीक है। और ये नेकलेस है और मजे की चीज साथ में ब्रेसलेट भी। कैमरा जूम कर रहा है इसको, ठीक है। और साथ इसके बड़े ही खूबसूरत से टॉप्स हैं, मैं ट्यूटोरियल में भी इनको जो है वो पहन के आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी, ठीक है। जूम कैमरा आई थिंक नहीं कर रहा, बहुत खूबसूरत स्टाइल है। और साथ में ये रिंग है इसके साथ, ठीक है। और ये भी आई थिंक मुझे 1000 या 1200 में ही पड़ा है, तो इतना रिजनेबल प्राइस में इतना खूबसूरत सेट मुझे अली एक्सप्रेस से मिला है। मैं आपको लिंक भी दूंगी, आप परचेज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये नेकलेस जो है कितना ब्यूटीफुल नेकलेस है, ठीक है। तो ये जो है लोन के शर्ट्स के साथ जो है वो मैं इंशाल्लाह इसका ट्यूटोरियल भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी, कितना ब्यूटीफुल। पता नहीं इस ज्वेलरी को देख के मुझे अपना वो वक्त याद आता आ जाता है कि शादी से पहले के दिन थे, मुझे इतना क्रेज होता था ना ऐसी चीज़ों को, मैंने जहाँ देख लेना बस मेरी ऐसे जान मेरा मैं अटक जानी वहीं पे, और मुझे बस दिल जाना कि ये सारी के सारे ज्वेलरी मैं खरीद लूँ। और आज भी मेरा वो जुनून जो है वो सलामत है, ठीक है। अभी शायद दोबारा से वो जुनून मुझे पैदा हुआ है, ठीक है, कि मैं मुझे ये ज्वेलरी बहुत ही अट्रैक्ट करती है, और जहाँ पर भी मुझे नज़र आती है मेरा दिल करता है कि मैं इसे खरीद लूँ। और अभी अच्छा ये रिंग्स जो हैं वे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये किसी की शादी पे मैंने वैसे ले लिए कि चले ट्यूटोरियल में जो है वो काम आएंगे, ठीक है। ये देखेंगे ट्यूटोरियल में मैंने सोचा कि काम आएंगे, और मैं इनको पहन के आप लोगों के साथ जो है वो अपनी वीडियो जो है वो शेयर करूंगी, क्योंकि इतने खूबसूरत ये लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे इनके जो है वो स्टाइल्स हैं। और ज्वेलरी कपड़ों की तो हर औरत और लड़की ही दीवानी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सेट है। दूसरी मैंने ये जो चूड़ियाँ परचेज की, तो चूड़ियाँ जो हैं मिसल कांच वाली जो चूड़ियाँ वो मुझे पता नहीं क्यों भी लाइक, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा साइज जो है और ये मुझे मिली 150 का वन पेयर, कितनी यूनिक और डिफरेंट और क्यूट। अच्छा इनकी छनछन की आवाज बहुत प्यारी लगती है। और इन ब्यूटीफुल एयरिंग के साथ मैंने एक आधी वीडियो भी शूट की है, ठीक है, आपने देखा होगा ये मुझे बहुत ही क्यूट। मुझे ये घुंघरियां जो नीचे लगी है ना, ये प्यारी प्यारी सी घुंघरियां, ये जब छनछन करती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। और इसकी प्राइस आई थिंक 350 रुपीस में जो है ये मुझे पड़े हैं, ठीक है। और ये देखिए कितने क्यूट छन छन, और इनकी प्राइस आई थिंक 300 या 350 में मुझे ये जो है वो मिले हैं। और ये मुझे तकरीबन 250 रुपीस में जो है वो मैंने लिए हैं, ठीक है। और ये मैंने जो है ब्रेसलेट्स हैं डिफरेंट स्टाइल्स की, बहुत प्यारी प्यारी सी जो है वो ब्रेसलेट्स हैं, ये देखें। ओ सॉरी ये नेकलेस है, नेकलेस ये मैंने परचेज किया है, और कुछ ब्रेसलेट्स हैं तो ये मैंने परचेज किए हैं, ठीक है। और बड़े ही मज़े की शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया। अभी मैंने बहुत सारे ड्रेसेस भी खरीदे हैं जिसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है, ठीक है। मैंने आज का वीडियो इसलिए जो है वो शूट किया कि मैं आज बहुत एक्साइटेड थी इतनी सारी ज्वेलरी को देख के, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने व्यूवर्स अपनी फैमिली के साथ जो है वो उसको शेयर करूँ। और आपको तो पता है कि मेरी फैमिली तो आप लोग हैं, तो मैंने आप लोगों को, अच्छा आप लोगों को ये ज्वेलरी कैसी लगी है, मेरी चॉइस आपको कैसी लगी है, कहीं मैंने महंगी तो नहीं खरीद ली है, ठीक है। ऑनलाइन इसको जो है वो बाय करना मुझे महंगा तो नहीं पड़ा, मुझे तो बहुत रीजनेबल लग रही थी, क्योंकि मैंने जब इसको बाजार में देखा था तो वहां तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो बता रहे थे। कभी बोल रहे थे 24 कैरेट गोल्ड, 24 नहीं नहीं 2 कैरेट
इस तरह कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो आप मुझे बताइए कि वो क्या बोल रहे थे। वो शायद उसमें कुछ थोड़ा सा गोल्ड डला है या चाइना गोल्ड, हाँ चाइना गोल्ड के स्टाइल की थी, कुछ कुछ थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस बता रहे थे। वो छोटे छोटे इयर रिंग भी 2500, 3000, 3500 इतने में जो है वो मुझे बता रहे थे। अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ, मैंने पहले ट्यूटोरियल में भी आपको के साथ शेयर की थी, वो मैंने कितने में खरीदी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो मैंने शॉपिंग आपसे शेयर की थी ये मैंने अली एक्सप्रेस से की थी, और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैंने वीडियो में भी आपको जो है वो शेयर की थी, अभी तक बिल्कुल मैंने जो है वो सेव करके अपने पास रखी है, क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल की खातिर कुछ बहुत सारी ज्वेलरी को परचेज करना जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें मेरे पास जो है, आप ये देखें आपको मैंने दिखाया था पहले भी, ये कितना खूबसूरत कुंदन का जो है ये झूमर है, मेरा हाल है यहाँ से थोड़ा सा जो है ये डैमेज हो गया है, हालांकि अभी इसको यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत झूमर है, और ये मैंने परचेज किया आई थिंक 4000 रुपीज़ में, 4000 रुपीज़ में। गाइस आप भी इसकी प्राइस बताइएगा कि ये कितने का आपको जो है मार्केट से मिलता है। और उन्होंने कहा कि ओरिजिनल इंडियन जो है ये झूमर है, तो मे भी इतने का ही हो। ठीक है, 4000 रुपीज़ में जो है वो एक झूमर मुझे पड़ा। ठीक है, और दूसरा ये इयर रिंग्स जो है ये मुझे कितने में पड़े, कितने खूबसूरत झुमके। ठीक है, और ये झुमके मुझे पड़े 1500 में, मुझे ये झुमके पड़े हैं। ठीक है, 1500 में मैंने मार्केट से जो है वो इनको परचेज किया है, और ये भी कुंदन के बहुत ही प्यारे से जो है वो झुमके हैं। ठीक है, और इसकी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। ठीक है, तो ये जो है ये मुझे आई थिंक 2000 से 2500 तक की रेंज में जो है ये मुझे माथा पट्टी पड़ी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें भी मुझे परचेज करने हैं, मैं इंशाल्लाह सारी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप जब मुझे देते हैं बहुत अच्छे अच्छे और मज़े मज़े के कमेंट। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त